शादियों का सीजन आ गया है तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बहुत अच्छे अच्छे वेडिंग लुक्स आपके साथ में शेयर करूं। सो ये जो आपको दिख रहा है बिल्कुल सिंपल सा एलिगेंट सा लुक, ये है वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक जो कि मैंने बहुत ही इजीली क्रिएट किया है, बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड चूंकि चल रहा है अभी वेडिंग सीजन तो वेडिंग सेल भी चालू है पर्पल पे, अप टू 50% ऑफ मिलेगा आपको प्रोडक्ट्स पे। और अगर आप 999 से ज़्यादा की शॉपिंग करते हैं तो मे बी आप लकी विनर हो सकते हैं थाईलैंड जाने की, जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे हैं ये कोड यूज़ करना है आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फेस क्लीन रहना चाहिए, स्किन केयर डन रहना चाहिए, उसके बाद में मैं सबसे पहले एलोवेरा जेल अपने फेस पर लगा रही हूँ एज प्राइमर। एलोवेरा जेल को भी आप एज प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, अच्छी क्वांटिटी में एटलीस्ट 2 ड्रॉप एलोवेरा जेल लें और इस तरीके से अपने पूरे फेस पर लगाएं जैसे कि मैं लगा रही हूँ। लगाने के बाद आपको थोड़ा सा ऐसा चिपचिपापन सा लगेगा, ऐसा लगेगा बहुत ज़्यादा लगा लिया, बट डोंट वरी, उसे अपने स्किन पे थोड़ा सा ड्राई होने दें। जब वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा तो एक बहुत ही स्मूथ सा टेक्सचर आपके स्किन में आएगा जिसके कि ऊपर आपका जो मेकअप है वो बहुत अच्छे से ग्लाइड हो जाएगा। अब इसके बाद में आपने लेना है बीबी क्रीम। मैंने यहाँ पर लिया है पॉन्ड्स बीबी क्रीम और मैं पॉन्ड्स बीबी क्रीम की हेल्प से ये मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। देन मैं गीले ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इस तरीके से जो मेकअप है उसे ब्लेंड कर दिया। आप देखिए बीबी क्रीम से भी बहुत अच्छी कवरेज आती है। मैं मेरे कुछ फेवरेट बीबी क्रीम्स जो कि ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए और ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आपको अगर अच्छी बीबी क्रीम लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करिएगा। सो अच्छे से इसे ब्लेंड कर लूँगी और मेरा जो डिज़ायर्ड कवरेज था वो बीबी क्रीम से मुझे मिल गया, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ फाउंडेशन यूज़ नहीं किया। अगर आपको फाउंडेशन यूज़ करना है तो आप कर सकते हैं। अब मैं ये लैक्मे का जो लूज़ पाउडर है इसे मैंने अपने फेस पर रफली लगा लिया, देन उसके बाद उसे अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया ताकि स्वेटिंग वगैरह ना हो और मेकअप जो है वो अच्छा लगे। अब ये जो पाउडर है ये लगाने के बाद में बारी आती है आई शेडो की। तो मैंने मेकअप रिवॉल्यूशन का ये बेस्ट आई शेडो पैलेट लिया है जो कि मस्ट हैव है, आपके हर टाइप के आई लुक हो जाते हैं इससे। तो इसमें से मैंने सबसे पहले ऑरेंज शेड लिया है और उसे एज ट्रांजिशन शेड मैंने अपनी आईलिड एरिया पर पूरा अच्छे से लगा लिया। देन इसके बाद में मैं लूँगी थोड़ा सा डार्क ब्राउन टाइप का शेड और उसे मैं अपने आउटर वी पर लगाऊंगी, ये जैसे कि आप देख रहे हैं। आउटर वी पर बस लगा करके ब्लेंड करते जाना है, ब्लेंड करते जाना है, बिल्कुल भी फाइन लाइंस विजिबल ना हो। ये जो पैलेट है ये बहुत अच्छा है एंड ऑफर के बाद में आपको बहुत अच्छे प्राइस पर मिल जाएगा, तो पैलेट ज़रूर देखिएगा। 34 शेड्स होते हैं इसमें एंड बिगनर्स से लेकर के एक्सपीरियंस लोगों के लिए भी बहुत अच्छा पैलेट होता है मेकअप रिवॉल्यूशन का आई शेडो पैलेट। अब ब्राउन शेड के बाद में मैंने ग्लिटरी गोल्डन शेड लिया है और उसे अपने आईलिड पर लगा करके अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। एंड देन लास्टली मैंने हाइलाइटिंग शेड लेकर के मेरी ब्राउ बोन पर लगा लिया है। फिर लास्ट में जो मैंने डार्क ब्राउन शेड अपनी आउटर वी पर लगाया था उसे मैं अपनी लोअर वाटर लाइन के नीचे भी मैंने कुछ इस तरीके से लगा लिया है। तो आई शेडो का काम हो गया। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ कलर बार का ये लाइनर जो कि बहुत अच्छा है। पहली चीज़ इसका एप्लीकेटर बहुत अच्छा है, अगर आप बिगिनर हैं आपको बहुत अच्छे से आईलाइनर नहीं लगाना आता तो इसका एप्लीकेटर से आप बहुत अच्छे से लगा लेंगे, ड्यूरेबल भी होता है ये जो लाइनर है कलर बार का ये। फिर उसके बाद में मैंने लिया है पर्पल का ये काजल जो कि बहुत पिगमेंटेड है और बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये काजल। एंड फिर उसके बाद में मैंने मस्कारा लिया है, ये भी कलर बार का है और मैंने इस बार सारे प्रोडक्ट्स ऐसे ही लिए हैं जो कि ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं, बहुत जल्दी आपके चेहरे से नहीं निकलते हैं, तो प्रोडक्ट्स देखिएगा ज़रूर। अब इसके बाद में मैंने फेसेस का ये फेस पैलेट लिया है, इसमें 3 शेड्स होते हैं। तो कॉन्टोर शेड से मैंने पहले कॉन्टोरिंग की, देन जो ब्लश शेड था सेम पैलेट का उससे मैंने ब्लश लगाया अपने एप्पल ऑफ चीक्स पर, एंड लास्टली जो हाइलाइटिंग शेड था उससे मैंने अपनी बस नोज को और क्यूपिड बो को हल्का हल्का सा हाईलाइट कर लिया। मतलब एक ही पैलेट में आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं तो अलग अलग खरीदने की टेंशन नहीं है और बहुत अफोर्डेबल भी होता है। फिर इसके बाद में मैंने कलर बार का सिंदूर जो कि 100 रुपीज़ की रेंज में है उसे लगा लिया एज सिंदूर। बिंदी लगा ली ब्लैक क्योंकि मुझे ऐसा लगा मेरी इस गेटअप के साथ में बिंदी जाएगी। एंड देन ये मेरा स्टेटमेंट नेकलेस पहन लिया मैंने और लिपस्टिक मैं SQ की लगा रही हूँ, थोड़ा सा न्यूडिश ब्राउन काइंड ऑफ शेड है जो कि मेरे इस पूरे लुक के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लग रहा था। बस लिपस्टिक को थोड़ा सूखने दिया और ये जो मेरा लुक है
वेडिंग गेस्ट लुक ये रेडी है। नेकलेस मैंने अमेजोन से लिया है, इसके लिंक भी आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप ऐसा कुछ हैवी सा नेकलेस पहनते हैं तो कोशिश करें उसके साथ कान में आप कुछ भी ना पहने, जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ भी नहीं पहना है। अगर आप सेलिब्रिटीज़ को भी देखेंगे तो वो भी ऐसे हैवी नेकलेसेस पहनते हैं तो उसके साथ में इयररिंग्स नहीं पहनते हैं। हाथों में भी बहुत ज़्यादा चूड़ियाँ ना पहने, सिंपल सा रखें, मतलब आपका जो पूरा फोकस है वो नेकलेस पर जाए अगर आप इस तरीके का हैवी नेकलेस पहनते हैं तो। और सिंपल सा ये मेकअप किया है मैंने, बहुत ड्यूरेबल मेकअप है क्योंकि प्रोडक्ट्स हमने सारे अच्छे यूज़ किए हैं। मैंने बीबी क्रीम का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, कंसीलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं अगर आप कंफर्टेबल है तो। एंड दैट्स इट, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, 50% ऑफ है, लिंक्स ज़रूर चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।